मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड, जहां बाबा बद्री विशाल है, भगवान केदारनाथ जी है, देवी देवताओं की भूमि से आकर खुराई की महान जनता को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड की खुराई विधानसभा के आप सभी देवतुल्य नागरिक में देख रहा हूं कि मेरे मन में भूपेन जी 1% का भी कोई संशय नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि आज भूपेंद्र जी ने विशेष रूप से, क्योंकि आज और भी अन्य कार्यक्रम मेरे पहले से निर्धारित थे, लेकिन भूपेन जी ने मुझे कहा कि 19 तारीख को सागर जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र खुरई में आज जन आशीर्वाद यात्रा को पहुंचना है, इसलिए आप अगर इस यात्रा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। मैंने सारे कार्यक्रम अपने निरस्त कर दिए, क्योंकि सागर से, यहाँ से, खुरई से और भूपेंद्र जी से और आदरणीय शिवराज जी से जिस प्रकार का एक गहरा नाता, दिली लगाव मेरा रहा। और मैं सोच रहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा में 2 जगह 4 जगह 5 जगह 10 जगह 15 जगह स्वागत होगा, 1000 2000 5000 10000 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा था कि निकलते 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 हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों ने आज जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है, आदरणीय भूपेंद्र जी को, आदरणीय शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। मेरा संशय समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, इस बार भूपेंद्र जी यहाँ और ज्यादा मतों से, मैं समझता हूँ कि 2/3 बहुमत भूपेंद्र जी को इस विधानसभा से मिलने वाला है, मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने जिस प्रकार से उनको 2018 के चुनाव में विजयी बनाया था, एक बार फिर से खुरई विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत की देवभूमि से, भारत की हृदय भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वीरों की इस धरती बुंदेलखंड को नमन करता हूं। ये धरती देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा को राजा राम आज भी भगवान के रूप में माने जाते हैं। भाइयों बहनों, सागर मध्य प्रदेश का दिल है और ये मध्य प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे अनेकों शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय इस सागर की भूमि पर स्थित है। भाइयों बहनों, जब सागर में आने का नाम आता है तो ये मेरे लिए कम से कम किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता, क्योंकि मैं पैदा होने के बाद मुझे जब अकल आई, या मैं चलना फिरना सीखा, या मैं कुछ जानना सीखा, तो मैं अगर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर घर से बाहर कहीं सबसे पहली बार पहुंचा तो मैं सागर में पहुंचा। इसलिए मैं सागर की इस पुण्य भूमि को, खुरई की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि सागर आने के लिए मेरे मन में हमेशा एक तड़प रहती है। हमेशा मैं सोचता हूं कि कब सागर पहुंचूंगा, कब मैं उन सड़कों को देखूंगा, कब उन स्थानों को देखूंगा जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मैंने यहीं DNCB स्कूल में पढ़ाई करी थी और मेरे पूज्य पिताजी, यही महार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट का सेंटर है, उस सेंटर में उन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी, वो नौकरी को आगे बढ़ाया था। और उनके मुख से हमेशा मैं सैनिकों के बारे में सुनता था, सैनिकों की वीर गाथाओं के बारे में सुनता था, तो मन उत्साह और उमंग से हिलोरे मारने लगता था। मुझे याद है जब मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सागर चलने के लिए कहा और आगे की पढ़ाई, मैंने 3 साल तक भूपेंद्र जी भाई साहब सागर में पढ़ाई करी है। 8वीं 9वीं और 10वीं की पढ़ाई मैंने यही सागर में करी है। तो
जब मैं यहाँ आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के दो कारण थे, एक तो मैं पहली बार घर से निकलकर नई दुनिया नई प्रदेश में जाने वाला था, दूसरा वीर सैनिकों के सानिध्य में भी आने वाला था। जिस दिन मैं सागर आया तो वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण था। मैंने महारेजिमेंट के सैनिकों को देखा, मैं हमेशा सोचा करता था मैं भी इनकी तरह ही सेना में जाकर देश की सेवा करूंगा। आज मैं सेना में तो नहीं हूं, लेकिन जो सेना से जो अनुशासन सीखा और जिन वीर सैनिकों को आदर्श मानकर जो राष्ट्र सेवा का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मैं कोशिश करता हूं कि एक सैनिक की भांति राष्ट्र सेवा में जो यथासंभव योगदान हो सकता है उस योगदान को मैं सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जहां एक ओर आज देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ रही है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले के भारत की, हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, जो अपने हक की लड़ाई है उस लड़ाई को भी नहीं लड़ पाता था, और भारत की पहचान हो गई थी दब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में। आज भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम, भारत को समर्थ भारत बनाने का काम, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, और भारत नित नए आयामों को स्थापित कर रहा है। पिछले 1.5 दशक से पहले राज्य में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के जो कार्य शुरू किए थे वो बहुत सारे काम आज पूरे हो रहे हैं। 2003 से पहले का हम सब जब मध्य प्रदेश याद करते हैं तो कैसा मध्य प्रदेश था, जिसके बारे में अभी आदरणीय शिवराज जी बोल रहे थे, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं पता ही नहीं चलता था। भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था का कैसा राज हुआ करता था, किस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब होती थी, गुंडे बदमाश दिन दहाड़े डकैतियां करते थे, लूटपाट करते थे, मारपीट किया करते थे, गैंगवार किया करते थे, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज कानून का भी राज हो रहा है, आज विकास भी आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 2003 से लेकर अब तक अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए भाइयों बहनों, 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रकार से जो जनता के सामने वायदे किए थे, किसानों का ऋण माफ करने की बात की थी, नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, न तो उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया न नौजवानों को रोजगार दिया, केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया। भाइयों बहनों, आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने तमाम घोषणाएं कर दी, कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। उत्तराखंड के बगल में हिमाचल प्रदेश है, वहां भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन एक भी घोषणा पूरी नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, चुनाव के बाद वहां की जनता के पास भी पछताने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर जो आप लोगों ने 15 महीने का कालखंड कांग्रेस का देखा है, उस 15 महीने के कालखंड में अनवरत रूप से जो मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास का अनवरत रूप से चलने वाला कार्य था, उस कार्य को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, इसलिए हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। मैं देवभूमि से यही आप सबसे कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अभी 16 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, मैं बच्चों के बीच में गया तो हमारे बेटे बेटियां मुझे भी मामा मामा कहकर संबोधित कर रहे थे, तो मैंने कहा आप मुझे मामा कहिए, मुझे चाचा कहिए, मुझे
अपना अभिभावक मानिए, अपना साथी मानिए, लेकिन मैंने कहा असली मामा कोई है तो असली मामा हमारे शिवराज जी हैं, जिन्होंने भांजियों के लिए, भांजों के लिए और बहनों के लिए लाडली योजना हो, कन्याधन योजना हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। सच में ये मामा के समान है, क्योंकि उन्होंने अपने भांजे भाजियों के भविष्य को सुधारने के लिए जितना काम किया है उतना काम एक मामा ही अपने भांजे भांजियों के लिए कर सकता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि माननीय शिवराज जी उनकी मंत्रिमंडल में हमारे भूपेंद्र सिंह जी, जो बहुत कम बोलते हैं, मैं उनसे जब भी मिला तो वो हमेशा खुरई के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, जिन्होंने एक इस खुरई को बदलने का काम किसी ने किया है, विकास यहाँ लाने का काम किया है। अगर विकास लाने के भगीरथ कोई है तो भगीरथ हमारे भूपेंद्र जी हैं। यहाँ पर जिन्होंने खुरई विधानसभा के विकास के, चहुमुखी विकास के लिए एक कर्मठ सेवक की भांति निरंतर कार्य किया है। भाई बहनों, आप सभी जानते हैं, चाहे बात बेहतर स्वास्थ्य की हो, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की हो, आज मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मध्य प्रदेश में न सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की समस्या दूर हुई है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और विकास के सभी मापदंडों पर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। भाई बहनों, अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे 50,000 करोड़ की योजना का बीना में अभी लोकार्पण हुआ है, और बहुत सारे राज्यों का जो बजट है वह 50,000 करोड़ से भी कम है। और एक समय याद करिए, जब यहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ पर छोड़ दिया गया था। आज शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने 3,14,000 करोड़ तक इस बजट को पहुंचाने का काम किया है। प्रति व्यक्ति आय में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है, 1,36,00,000 गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश के अंदर 61,26,000 से अधिक घरों में, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 71,00,000 घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रदेश के अंदर करोड़ों बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है, लाडली लक्ष्मी के साथ लाडली बहना बनी है। प्रदेश के लगभग 1,30,00,000 से अधिक पात्र जो बहने हैं उनको लाडली बहना के अंतर्गत 1,000 रुपये अपने भाई शिवराज जी ने देने का काम सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को सीखने के साथ साथ कमाने के साधन संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूलों के माध्यम से आधुनिक तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अगर एक एक करके मैं योजनाओं को गिनाऊंगा तो महेश जी कह रहे होंगे कि अभी आपकी विधानसभा में भी कार्यक्रम होना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं गिनाऊंगा क्योंकि बहुत समय कम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को एक समय था जब बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश गजब तो है ही है, देश का गौरव भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गति भी है और विकास की ललक भी है। एमपी आज पूरे देश को दिशा देने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार उन्नति कर रहा है, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही मैंने आपके मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया, उनसे दिली लगाव रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आने वाले समय में और अधिक तेज गति से श्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्वगुरु बन रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाजपा सरकार का क्या अर्थ है, तो मैं कहना चाहता हूं
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली, शिवराज जी के नेतृत्व वाली भाजपा का अर्थ है हमारी सनातन शक्ति, सनातन संस्कृति का उत्थान। भाजपा सरकार का अर्थ है अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना, भव्य निर्माण। भाजपा सरकार का अर्थ है उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ में उनके परिसरों का पुनर्निर्माण, पवित्र भूमि का पुनर्निर्माण। भाजपा सरकार का अर्थ है काशी विश्वनाथ में बाबा काशी कॉरिडोर का निर्माण। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का अर्थ है आपके उज्जैन में महाकौल लोक का दिव्य और भव्य निर्माण। भाजपा सरकार का अर्थ है आतंकवाद का अंत। भाजपा सरकार का अर्थ है कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति। भाजपा सरकार का अर्थ है लाल चौक पर तिरंगा। भाजपा सरकार का अर्थ है पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना। भाजपा सरकार का अर्थ है गलवान घाटी में चीन के सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब देना, दांत खट्टे कर देना। भाइयों बहनों, आप सभी के असीम प्यार और समर्थन के कारण ही आज मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार सर्वांगीण विकास को गति दे रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन, जो डबल इंजन की सरकार है उसका अर्थ क्या होता है। डबल इंजन की सरकार का अर्थ होता है हर घर में जल, हर घर में बिजली, हर घर में गैस कनेक्शन, गरीबों को पक्का घर, हर घर में शौचालय, आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को निःशुल्क अनाज योजना, पक्की सड़कें, युवाओं को बेहतर शिक्षा। डबल इंजन का अर्थ है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश को बदलने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करने आ रहा हूं कि जो आज हर कोने कोने में हर सनातनी को, देश की मिट्टी से प्यार करने वालों को ये कहना चाहता हूं कि जो ये ठग बंधन बने हैं, इन ठग बंधनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, भाइयों बहनों, सनातन न तो नया है न पुराना है, सनातन नित्य नूतन नया है। नित्य नूतन सनातन हमेशा चलने वाला है। सनातन को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े आक्रांता आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, लेकिन सारे के सारे मिटते चले गए, सनातन आगे बढ़ता चला गया। भाइयों बहनों, सनातन वह है जो चींटी को भी दीर्घजीवी होने के लिए उसकी हमारी माताएं बहनें जब कभी आटा गूंथती हैं तो चींटी को आटा खिलाने का काम करती हैं। और तो और, सनातन वह है जो विषैले सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने का काम करते हैं। वह है सनातन। भाइयों बहनों, अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने नाम तो बदल दिया लेकिन इनको भारत नाम से आखिर चिड़ क्यों है? इन्हें सनातन धर्म और संस्कृति से चिड़ क्यों है? इन्हें राष्ट्रवाद से चिड़ क्यों है? इन्हें वंदे मातरम भारत माता के जय बोलने से चिड़ क्यों है? इसलिए भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया है, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भाई भूपेंद्र जी को, इन्होंने इतने काम किए हैं कि अभी मुझे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि भूपेंद्र जी ने नया खुराई बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, इनको विकास पुरुष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भूपेंद्र जी को आप लोग भारी बहुमत से इस क्षेत्र में, तो इनको आप सबसे अब वोट के लिए निवेदन करने की भी आवश्यकता न पड़े। भाइयों बहनों, इनका चुनाव यहाँ की जनता को लड़ाना चाहिए और ये तो मध्य प्रदेश के चुनाव के ये पूरी यात्रा के प्रभारी हैं, इसलिए इनको और जगह जाना है। आप लोग इनको फ्री कर दीजिए, इनसे कहिए कि आप मध्य प्रदेश जिताइए, खुराई जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इनको भारी बहुमत से इनको